ਕੋਲ ਦੇ ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਮਰਦੀ ਹੈ ਮਰੇ ਉਜੜ ਦੀ ਉਜੜੇ ਤੀਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਲੱਗੀ ਕਦੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬੀਸੀ ਕਰਦੇ ਨੇ पुलिस तो इतने इतने अच्छे काम कर रही है। हमारे नहीं हो रहे, जहाँ से पैसे मिले उसने अभी पुलिस वाले को पैसे दिया, ये स्टाम उन्होंने आगे अदालत में नहीं दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल रहमान। हदफ में आप सब लोगों को खुश आमदीद। और हदफ बना एक मरतबा फिर मज़लूम खानदान की आवाज़। पुलिस गर्दी और बदमाशिया एक मरतबा फिर लाहौर में सरगर्म है। मेरे साथ मौजूद है इकरा, जिनकी 1.5 साल बच्ची को सरेआम दिन दिहाड़े बड़े बाजार से अगवा करने की कोशिश की गई और इलाका मकीन की जो तावुन से उन अगवाकारों को पकड़ा गया और ना सिर्फ पकड़ा गया बल्कि पुलिस के हवाले करने की भी कोशिश की गई। 15 पे कॉल की गई, पुलिस स्टेशन जाया गया, लेकिन फिर भी इनकी सुनवाई नहीं हुई। आइए सुनते हैं इकरा से इनकी कहानी। इकरा, सबसे पहले बताएं कि ये वाकया हुआ कैसे? कल मैं अपनी बेटी को लेकर बाहर खड़ी थी, तो पहले तो ये गुंडे वगैरह आते रहते थे, धमकियाँ देते थे, कभी कोई पुलिस के रूप में आता था, कभी कोई आता था, कहता था मुझे अदालत ने भेजा है बच्ची के लिए, इसने भी मुझे काफ़ी मरतबा धमकियाँ वगैरह दी हैं कि तुझे मार दूंगा ये वो। तो कल मैं अपनी बेटी को लेकर बाहर दरवाजे में खड़ी थी, कुछ लोग आए हैं बेटी को छीन के ले गए हैं, तो पीछे मैंने भागदौड़ की है, मेरे भाई भी थे, मेरी माँ वालदा भी थी, मेरी आपी भी थी, भागदौड़ हमने की है, तो उसे पकड़ा हमने जो लेके भाग रहा था बच्ची को, उसे पकड़ा, उसे थाने में लेके गए हैं, तो थानों वालों ने हमारी कुछ नहीं सुनी, ना उन्होंने हमारी कोई FIR ली है, ना हमारे ख़िलाफ़ कोई उन्होंने बोला है, कुछ भी नहीं बोला। 15 पे हमने 3 मरतबा कॉल की है, कोई पुलिस वाला नहीं आया, 3 कॉल पे भी 1 पुलिस वाला नहीं आया। जो अगवा कर रहे थे या जिन्होंने अगवा करने की कोशिश की, इनके बारे में पता चला ये कौन लोग हैं? हमें शक है कामरान पे। कामरान कौन है? वो इस बच्ची का बाप है। वो बच्ची के बाप का तो पूरा हक है अपनी बेटी से। उसने ना बस शादी की धोखे के साथ, उसने शादी की थी, उसे सिर्फ इसको छोड़ गया था, तो अब ये हमारे पास ये बच्ची भी यहीं पे पैदा हुई है। अदालती केस चल रहा है हमारा, केस चल रहा है। मुलाकात भी होती है बच्ची, तो इसने मारने की भी धमकी दी, बच्चे को खींचने की भी धमकी दी कि बच्ची मुझे दे दो। पुलिस इस वक्त पूरा तावन कर रही है, IG पंजाब बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, CCPA लाहौर तो बदमाशिया के फुल टाइम इस वक्त खिलाफ हैं, तो आपने पुलिस में किसी जगह पर कोई दरख्वास्त वगैरह नहीं दी? हमने दी है, हरबंसपुरा में दरख्वास्त दी है, हम खुद भी गए हैं सारे, हम खुद ही उधर। दरख्वास्त आपकी कबूल हो गई? नहीं, बस उसी की सुनी है, जो मुजरिम उन्होंने वो भी छोड़ दिया, सब कुछ कर दिया, हमारी नहीं सुनी। तो आपके पास कोई सबूत नहीं है? सबूत है हमारे पास, वीडियो भी है, पूरा मोहल्ला हमारी गवाही देने वाला। एक लड़का पकड़ा गया था, बाकी भाग गए थे, बच्ची वाला पकड़ा गया था, तो हमने उस बच्चे को पकड़ा, उसने बच्चे ने ना बयान दिया जाए कि भाई मैंने पहले जो है बच्ची को उठाओ, मैं तुम्हें 3 लाख रुपया दूंगा। अच्छा। हमारे पास रिकॉर्ड भी था, ये सब हमने पुलिस वालों को दिखाया, सब बनाई। अच्छा। पुलिस वालों ने कहा सारी वीडियो डिलीट कर दो, ये कर दो, उल्टा उन्होंने हमारा करके हमारे बच्चे को अंदर कर दिया। आपने पुलिस वालों को बताया नहीं कि अदालत में केस चल रहा है, मुलाकात वहाँ होती है? कह रहे पुरानी बातें ना करो, हमने कहा पहले भी बच्ची अगवा करने की कोशिश की गई है, वो कह रहे पुरानी बात ना करो, कल की बात भी नहीं करनी, अभी की इसी टाइम की करो। फाड़ लिया मुंडे, फाड़ लिया, ठीक है, फाड़ के असं 15 से कॉल करते रहे, साड़ी किसी ने सुनी नहीं। यार यार कल हम ना इधर को दोपहर को खड़े थे, तो वो बच्चा आया एक, तकरीबन उसकी उम्र होगी 18-20 साल। उसने एक छोटी सी बच्ची है इनकी, 1.5 साल की होगी या 2 साल की मैक्सिमम, उसको उठाया, ये आंटी की दोती है, उसको उठा के वो ले गया। की होया कल? हाँ जी बेटा वो आया है, अगे भी वो ऐसे तरह ही करते, इन्होंने नाल कभी कोई एक्शन लेंदा, कभी कोई लेंदा, इन्हों की बच्ची जी 2 साल होने डेन बैठी नू, और अदालत दे विच केस भी चलन डेया है, ते फिर भी आंदा है, अगो अपने वर्कर करदा है, ते वर्कर भेजा है, और ओदी वीडियो भी है, और जिथे जो जो उन्होंने किया वो सारा साढ़े कोल सबूत है, क्योंकि वजीर आला दे अगे भी अपील है कि सानू इंसाफ चाहिए। बंदा तुहाडा क्यों गिरफ्तार किया? उन्होंने कहा जी इन्होंने साडा बच्चा जरा अगवा किया है, वो इधर केस बात है, कोई पुलिस ने नहीं सुनिया, कोई गल नहीं, कोई उन्हें पता किसी पुलिस ASI इब्राहिम जी जी, जिसने ये झूठा पर्चा आप लोगों के ऊपर, उनके साथ ही आया था। हाँ जी, तफ्तीशी भी वही है, उनके साथ ही आया था, इधर से लेकर गया वो आया साथ, उन्हें बात नहीं सुनी, भी वही है, हमारी बात नहीं सुनी उन्होंने यार। तालिब है इब्राहिम है ये नाम है उनके। SHO से नहीं बात आपने की? वो उन्होंने वो है था ही नहीं उधर, उन्होंने मिलने ही नहीं दिया था, वो वहाँ पे नहीं थे। उन्होंने क्या SHO नहीं दिया था? किसी जगह पर पुलिस को एप्लीकेशन नहीं, दरखास्त वगैरह नहीं दी? हमने यहाँ पे दी हुई है हमारी, एक्शन नहीं ले रहे कोई भी, उन्होंने दरखास्त लेने से पहले इनकार कर, हंस रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं, ऐसा तो कोई मसला नहीं। हम यही चाहते हैं हमारा भाई पर्चा हो उस पे, कामरान पे,
ठीक है, हमारी बच्ची का जो है ना उसको तहफ्फुज़ तो मिले। आप अहले इलाका को देख सकते हैं इस वक्त पुलिस गर्दी का ऐसा वाकया कि जिसमें बच्ची भी इनकी अगवा करने की कोशिश की जाती है, उल्टा पर्चा भी इनके ऊपर हो जाता है और इनका जो बेटा है वो पूरी रात जेल की सलाखों के पीछे रहता है, आज उसकी जमानत होती है। इस वक्त अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं, आई जी पंजाब से, वज़ीर आला पंजाब से इस वक्त अपील कर रहे हैं कि खुदारा इनको इंसाफ फराहम किया जाए। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान अब्दुलरहमान को, अल्लाह निगेबान। We'll be right back।